अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी रेसिपी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है रूखा, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून यहाँ हम डालेंगे कच्चा पपीता जो हमने पीस के रखा है उसका पेस्ट बना लिया है और 1 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून हम यहाँ चिल्ली सॉस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम सिरका ऐड कर रहे हैं। सिरका आप वेजिटेबल्स ले लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे कोई सा भी ले लें। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम भर के ले रहे हैं दही। दही जो है हमें इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हम इसको फिर मैरिनेट करके रखेंगे और अभी आगे भी और चीज़ें इसमें जाएंगी जो हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को लाइक कर लें। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल दी हूँ ऑयल। ऑयल डाल के भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम फूड कलर ऐड करेंगे क्योंकि फूड कलर से ही थोड़ा इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा। तो अगर आपको पसंद हो डालें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फूड कलर ले रही हूँ थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर इसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। क्योंकि मैं जो है शाम के वक्त इसको मैरिनेट कर रही हूँ, 2 घंटे बाद फिर मैं इसको लकड़ियों पर जो है इसको मैं टिक्के बनाऊँगी। तो पहले मैंने आपको पतीली वाले टिक्के बना के दिखाए, अब मैं जो है इसको आपको दिखाऊँगी लकड़ियों पर सेक के जैसे बनाते हैं, अमूमन हर घर में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सीखे लगा दी हैं। ये लास्ट की जो सीख है ये भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ताकि सीखों के अंदर बोटी और अच्छे से जो है इसके अंदर सारी सीखों में बोटियाँ लगा देंगे हम और सारी बोटियाँ लगा के फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है एक एक करके सारी बोटियाँ लगाना शुरू कर दी हैं और हमने 1 किलो के हम जो ये बना रहे हैं बीफ टिक्का बोटी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप अपने घर में बनाएं, मेहमानों को खिलाएं या खुद खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। और स्पाइसेस जो हमने डाले हैं बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी ये टिक्का बोटी बन के तैयार हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर घर में जुगाड़ करके मैंने चूल्हा बनाया और मैंने यहाँ पर इसको लाइन से टिक्का बोटी लगा दी। अब यहाँ पे जो है जैसे जैसे ये सीखती चली जाएगी यहाँ पे हम ऑयल लगाते चले जाएंगे क्योंकि ऑयल लगाएंगे तो ये सिकेगी अच्छे से। और नीचे कोयले जो है हम यहाँ देख रहे हैं तो कोयलों पे हमने इसको रखी थी। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं ताकि अच्छे से इसकी जो है भुनाई होती रहे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को जो है प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सिंपल तरीके की यह है रेसिपी। और तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्का बोटी एक साइड से हमारी सीख चुकी है, अब दूसरे साइड से भी हमने इसको पलट लिया है और अच्छे से जो है इसके ऊपर ऑयल लगाना शुरू कर दिया है ताकि दोनों साइडों से अच्छे से कलर आ जाए। और बहुत ही मज़ेदार से हमने यहाँ पे जो है टिक्का बोटी बनाना सिखाई है। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, मुझे और मेरी रेसिपी को आगे शेयर करें। तो आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। रेसिपी को पूरा वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, स्किप करके नहीं देखा करें वरना आप खास और जो खास खास जो टिप्स हैं ट्रिक हैं वो आप मिस कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है, टिक्का बोटी हमारी पक चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो हमने सीखों में ही आपको डिश आउट करके दिखाया है, हमने इसको निकाल के नहीं दिखाया। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये टिक्का बोटी बनी है। आप एक बार खाएँगे तो बार बार आपको बनाने को दिल करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत ही मज़ेदार सी सारी सीखें हमने उतार ली हैं और गरम गरम है। तो हिना को दें इजाज़त, फिर मिलूँगी अगली रेसिपी से। अल्लाह हाफिज़।